हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आखिरी मौका, तो इस वीडियो के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या है आखिरी मौका और क्या है इस पूरी डिटेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करो, वीडियो को लाइक भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देना, ताकि सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और किसी से भी ये चीजें मिस नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट डेट जो है वो 6 अप्रैल नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म की है। तो अगर जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक ये नीट 2023 का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आज लास्ट डेट है। आज रात को 11:59 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर उससे पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप नीट 2023 के लिए एप्लीकेबल हो पाओगे, अन्यथा आप यहां पर नीट 2023 का जो एग्जाम है वो नहीं दे पाओगे। तो अभी तक नीट ने, जैसे कि एक महीने का चांस देता है एनटीए हर बार नीट के फॉर्म फिल करने के लिए, तो मार्च के अंदर ये जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे, तो करते करते एक महीना निकल गया है। लेकिन अभी भी जिन भी कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल नहीं किया है, तो अभी भी उनके पास लास्ट मौका है कि वो अपना नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये डिटेल मैंने आपको बताया आपको कि किस तरीके से आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है, और नीचे आर्टिकल में आपको सब कुछ दिख भी रहा है ऊपर स्क्रीन पर कि नीट का फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे और कब लास्ट डेट है, और नीट का एग्जाम कब है, और इसके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे। बाकी सारी डिटेल आपको नीट से रिलेटेड यहाँ पर मिलती रहेगी। तो अगर आप चाहते हो नीट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनसे अपडेट रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना स्टूडेंट के पास, ताकि सबको पता चल पाए कि आज नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यही थी आज की डिटेल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।